उस दिन जब मैं आदित्य से मिला, पहले वो मुझे बेवकूफ लगा क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी जो आजकल हम आप लोगों में देखते ही नहीं है। इससे उसे कुछ नहीं मिलेगा, ये ना तो कभी अमीर होगा और ना तो कभी टीवी में आएगा। मगर सच कहूं दोस्तों, तो ऐसे लोगों को ही टीवी में आना चाहिए। लोग उसे धुतकारेंगे, अपना काम निकलवाएंगे, कुछ कहेंगे पागल हो गया है आदित्य। ये अभी भी गुमनाम रहेगा, इसे कोई नहीं जान पाएगा। कभी कभी तो सोचता हूं कि उसे क्या मिला। उसे जो मिला वो थी भावनाएं। उसे वो मिला जो पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। उसकी दुनिया और भी खूबसूरत हो गई। उसे मैं नहीं बल्कि सब पागल कहते थे, लेकिन आज उसने प्रूफ कर दिया कि पागल वो नहीं, हम सब थे। कभी कभी तो मैं सोचता था कि ये कुछ करेगा भी या नहीं, लेकिन सच कहूं दोस्तों, तो जो ऐसे काम करते हैं ना, उनको कुछ करने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोग अमीर हैं और बहुत से लोग गरीब हैं। अमीरों को तो सब पूछते हैं, लेकिन गरीबों को कोई नहीं पूछता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आदित्य की तरह हेल्प करें। प्लीज प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं बल्कि आदित्य की भी है। मैं भी उसे पागल समझता था, लेकिन आज उसको सैल्यूट करता हूं, उसके काम को सैल्यूट करता हूं। आप प्लीज इस वीडियो को देखें, सुने, और अगर पसंद आए तो सभी दोस्तों को शेयर करें। इतना शेयर करें कि लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ, हमें भी गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस। आदित्य सुपरस्टार।